की परिक्रमा के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मध्य जिनका हमको आशीर्वाद मिलने वाला है, ऐसे परम श्रद्धे चिन्मयानंद जी मंच पर उपस्थित, परम श्रद्धे पाठक जी, चंपालाल जी, हमारे ज्योतिषानंद जी, इन साधु संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम के संयोजक माननीय सुनील जी, सह संयोजक सुभाष जी, उमेश जी, यहाँ सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, ये अजमेर का सौभाग्य है कि आज पांचवी बार इस परिक्रमा का आयोजन इस शहर में हो रहा है। मैं जनप्रतिनिधि यहाँ के होने के नाते आप सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और आशा करता हूँ हम सब इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये अद्भुत क्षण होते हैं जब हम इस प्रकार की परिक्रमा करके अपने जीवन रूपी सागर को पार करने की लिए आगे बढ़ते हैं। यह जीवन तो हमको मिला है, लेकिन जीवन का सत्य राम ही है और इसलिए राम के जीवन को आत्मसात करते हुए व्यवहार में लाएं, यह अपेक्षा हम सबके से रहती है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जीवन में जीने का और ग्रस्त जीवन में जीने का सबसे अधिक यदि आदर्श है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी इनको कहा गया कि भगवान राम है, जहाँ पे पति पत्नी भाई सबका साथ किस प्रकार से जीवन रहना चाहिए उसके आदर्श के रूप में हमारे सामने है। और इतने जब लोगों ने इस प्रकार के राम नाम लिख करके यहाँ पे रखे गए हैं ग्रंथ जिनका हम परिक्रमा करेंगे, तो निश्चित उसका पुण्य लाभ हमको मिलेगा। इसके आयोजन समिति के मैं आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने इस प्रकार का अद्भुत क्षण हम सबको दिए हैं और इस प्रकार के साधु संतों के आशीर्वाद मिलने का जो एक अवसर मिल रहा है। तथा तो अजमेर नगरी आज गीता जयंती से लेकर के अगले 12-13 दिन तक ये अजमेर राममय हो जाएगा। इस राममय में ही सत्य है जो हमको जीवन में प्रारंभ जन्म से लेकर के अंत तक राम के अलावा कुछ नहीं है, जो राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। इस प्रकार बोलते जरूर है लेकिन उसको मस्तिष्क में रजिस्टर कराते हुए उसके अनुसार इस जीवन रूपी नैया के अंदर हम जिए, उसको पार लगाएं, तो इस परिक्रमा का निश्चित रूप से सार्थकता बढ़ेगी। इस अवसर पर जो हमें संतों का आशीर्वाद मिलने वाला है, इसलिए मैं बहुत अधिक न कहता हुआ